चल यार चल उस बार चल दुनिया नहीं है बबल थके हम तो शुक्र है खैरोफियत से लाहौर से आ गए वरना वो निराली तो हमारी कब्रें खोद देती वहाँ पर भाई वो कब्रें खोदने का काम करती है जमील नबील अरे बट साहब का फोन है यार ये बट साहब का फोन है तो फिर आपके पास क्या कर रहा है शुएब महमूद अच्छा तो महमूद का फोन भी आपके पास है सच सच बताएं कितने फोन चुरा के लाए लाहौर से आप अरे भाई बट साहब का फोन आ रहा है वो जो लाहौर जाते वक्त हमने उनसे पैसे लिए थे ना उसी की बात करनी होगी उन्होंने मुझे हेलो बरसा क्या हाल है अरे यार नबील मैं कब से तुम लोगों को फोन कर रहा हूँ तुम लोग फोन ही नहीं उठा रहे हो मैं पैसे लेने आ जाऊँ अपने ओ यार बरसा अभी तो हम लाहौर में ही है यार पापा जी का मुंह बदल गया था यार अब हम उनके मुंह को अकेला छोड़ के तो नहीं आ सकते ना हम सब सदमे में है वरना हम किसी को भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे यार भाई मुझे तुम्हारे सुसर के मुंह से क्या लेना देना मेरे पैसे वापस करो बट साहब कैसी बातें कर रहे हैं मेरे पापा जी की इतनी बड़ी सर्जरी हुई है भाई मैं महीना डेढ़ महीना तो रहूंगा ना उनके पास खिदमत करने के लिए यार वहीं से ऑनलाइन ट्रांसफर कर दो ना हेलो 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 नबील पता नहीं आवाज क्यों नहीं आ रही हेलो मेरे ख्याल सिग्नल का मसला हो रहा है हेलो हेलो बड़े आए पैसे मांगने वाले आज तक हमने पहले किसी के दिए जो इनके देंगे मैंने तुम्हें लाहौर में पापा जी से पैसे लेकर तो दिए थे ना नबील पटाने के लिए जानू वो ना मैंने ना अपने अगले एपिसोड के लिए ढेरों सारी टी शर्ट खरीद ली है छोटी छोटी शुक्र है नबील ये चाय की कप यहाँ क्या कर रहे हैं जरूर ये मसूद ने रखे होंगे ओ नहीं माँ जी महमूद साहब तो केतली से मुंह लगा के चाय पीते हैं या लोटे में चाय पीते हैं नबील ये कप तो गर्म है नबील ओ यार जानू धूप में पड़े पड़े गर्म हो गए होंगे यार कहीं हमारे घर में वो तो नहीं घुस आए चोर नहीं चोर नहीं वो जिन्हें देख के डर लगता है ओ माँ जी महमूद साहब का मुँह देख के तो गली का बच्चा डर जाता है दो तीन दफा तो चौकीदार के तरह निकल गए नबील तुम भी किसी कोहे काफ के जिन से कम नहीं हो हाँ, जिन लगता है हमारे घर में जिन घुस रहे हैं शफाक महमूद उच्छो आपको जिन का नाम भी मालूम है ओ भाई कोई जिन में नहीं है यार चलो जानो अंदर चले यार बड़ी थकावट हुई है बाहर गर्मी भी हो रही है चलो आ जाओ चलो 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 आज वो कौन है तू उठ मैं मंगू हूँ ये बेड पे क्या बिछाया हुआ तुमने कपड़े सुखा रहा हूँ बाजी जानू तुमने बताया नहीं कि तुम्हारा कोई छोटा भाई भी है जो दिखने में तुमसे बड़ा लग रहा है शट अप नबील निकालो इसे बाहर ओए चलो उठ निकल यहाँ से ओए ओए अरे गोमो अरे तुम क्या जाते हुए बाथरूम भी लॉक कर गई थी सारे ज़ेवरात उधर ही तो पड़े ये ले चाबी अरे ये तो अलमारी की चाबी है मोमो अरे खोलो किसी तरह दरवाजा मुझे जाना है हमारे लैट्रीन में वो निकल आया है मसूद देखें वो क्या चूहा नहीं नहीं चूहा इतना बड़ा नहीं हो सकता देखें चोर चोर खुदा की कसम मैंने चोरी नहीं की अरे चोर भागो 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 नहीं मैं भागू अच्छा ओए और मैं चोर शोर नहीं हूँ नबील अरे हमारे कमरे में कोई है महमूद साहब हमारे कमरे में भी चोर घुस आया है यार अब तो व्हाट्सएप को भी फोन नहीं कर सकते मैंने उन्हें कह दिया था हम लाहौर में ये तो हमारा धोबी है अरे और ये तो मंगू दूध वाला है जिससे मैं रोजाना दूध लेकर आता हूँ चल भाई जल्दी से दूध दे और निकल इधर से चला चला मैं दूध देने नहीं आया हूँ आज अच्छा तो तू छुरा बेचने आया आज ओए हम पैसे लेने आए अपने ओ जानू जल्दी से इसके मुंह पर 150 मारो यार ओए ओए 150 नहीं
तुम लोगों पे मेरे पूरे 60,000 बनते हैं। और मुझसे भी मुफ्त में कपड़े धुलवाता रहा है ये नबील, और 20,000 अलग से उधार लिए थे, कुल मिला के मेरे भी 50,000 रुपए बनते हैं। नबील तुमने धोबी से उधार लिया था? अरे जानू बड़ा अमीर धोबी है ये। जब तक तुम लोग पैसे नहीं देते थे हम यहीं रहेंगे इसी घर में। ये लोग अगर यहाँ रहेंगे तो फिर हम कहाँ जाएंगे? मेरा ख्याल हम लोग लॉन में चल के ना जानू डिस्कस कर लेते हैं। मुसीबत है यार, निकालो इन दोनों को घर से। ओ जानू कैसी बातें कर रही हो यार, मेरी माँ है। हाँ महमूद साहब को जब दिल करे धक्के मार के निकाल दो यार। नबील, अरे मैं इनकी नहीं चंगू मंगू की बात कर रही हूँ यार। जानू वो तो एक ही बात से मानेंगे अगर उनके पैसे हम लुटा देंगे तो। और वो पैसे कहाँ से आएंगे? पैसों की क्या फिक्र है, हमारे पास वो है ना। वो क्या? वो जो देव जैसा है ना, जिसकी चड़ैल जैसी बेटी अदील की वो है। यकीनन पापा जी की बात कर रही है माँ जी आप। हाँ हमारे पास पापा जी है ना, चलो अभी फोन करते हैं उनको। हरगिज नहीं, पापा से मैं एक फूटी कौड़ी नहीं मंगवाऊंगी। ना फूटी कौड़ी ना मंगवा, 2-4 लाख रुपए मंगवा ले। अरे इतना पैसा तो हाथ की मैल है उनके लिए। हाँ मेरे हाथों पर भी बड़ा मैल है। अरे तुम तो ठहरो, खूबसूरत तुम फोन करो पापा जी को। ठीक है, लेकिन मैं पापा से सिर्फ उतने ही पैसे मंगवाऊंगी जो दोनों को देने। जानू तुम फोन तो करो ना यार, प्लीज प्लीज जानू प्लीज। यस यस यस। अस्सलाम वालेकुम, आपका मतलूब असारत इस वक्त अपने हनीमून पर है। आपकी दरखास्त है कि 5-6 महीने तक बराए मेहरबानी यार फोन न करें, शुक्रिया। पापा का फोन ऑफ है, वो अपने हनीमून पर। बड़ा कंजूस पापा है तेरा, क्या था जो हम सबको अपने साथ हनीमून पे ले जाता। हाँ जानू माँ जी ठीक कह रही है यार, पापा जी से कहो कि हेलीकॉप्टर भेजे और हमें वहाँ मुकवा ले। शट अप नबील, मैं जा रही हूँ अपनी अलमारी लॉक करने। हाँ मैं भी अपनी अलमारी को ताला डाल लूँ, मेरे मोती चूर के लड्डू रखे उसके अंदर। चले आओ यार नबील, अरे कुछ सोचो क्या करे इनका। हम सब अब आए आए, हम सोचते हैं मिलके। चलिए यार, तो मैं क्या स्विमिंग कर रही हूँ, जल्दी रिंग कैरी के ले आओ। हवा हवा ए हवा, खुशबू लुटा दे, कहाँ चली हाँ चली मुझको बता दे। बता दे ना। बता दे व्हाट? मेरा मतलब है कि मेरे लिए खाने में ना कद्दू बना लेना आज। मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। अच्छा चलो मैं आपके लिए बना लूंगा और अपने हाथों से खिला भी दूंगा। पागल तो नहीं हो गए हो मंगू के बच्चे? बच्चों को दफा करो ना, अपनी बात करते। कौन सी बात? अगर तुम मेरी हो जाओ ना तो अपनी भैंसों का बाड़ा और 25 भैंसे तुम्हारे नाम कर दूंगा। शर्मा गई। हवा हवा ए हवा, खुशबू लुटा दे, या अल्लाह मेरी मसऊद मसऊद मसऊद। इस डब्बे में वो रखा है। वो क्या? वो जो पीले पीले होते हैं। जेवर? जेवर तो एक ना बना के दिया आपने मुझे कभी। लेकिन मैं क्यों बना के दूंगा तुम्हें जेवर? क्यों आप मेरे वो नहीं है। वो क्या? वो जो आगे पीछे फिरते होते हैं ना। कुत्ता? नहीं जी, वो जो बीवी का गुलाम होता है ना वो। खावन? आप मेरे खावंद हैं ना? नहीं हूँ तो नहीं, लेकिन अगर तुम कहो ना तो मैं महमूद को रास्ते से हटा के बन सकता हूँ तुम्हारा खावंद। तू मसऊद नहीं है, पक्की बात है। ले मसऊद मसऊद। नबी वो मंगू मुझे देखकर अजीब अजीब गाने गा रहे। उसकी ऐसी की तैसी जानू, उसकी ये जुरत, मैं उसे कहूंगा अच्छा सा कोई गाना गाए और सुर में गाए। शट अप नबील, वो तुम्हारी बीवी को छेड़ा है। क्या? उसकी ये जुर्रत? अरे आज तक मैंने नहीं तुम्हें छेड़ा, उसने आते ही छेड़छाड़ शुरू कर दी। और वो पंगू कह रहा था कि मैं सऊद को रास्ते से हटा के तो वो मेरा वो बन जाएगा। क्या? अरे उसकी ये मजाल कि मेरे जीते जी मेरी मुमताज को छेड़े। नहीं जी मुमताज को नहीं, उसने मुझे छेड़ा उस गबरू जवान ने। अरे मुमताज तुम ही हो यार, उस गबरू जवान की तो मैं
जान ले लूंगा। मैं मुझसे उसकी जान लेने के फौरन बाद आपने ना वो दूसरा जो है मंगू उसकी भी जान लेनी है। अरे तुम किस किस्म के मर्द हो यार, चलो मेरे साथ उन दोनों की हड्डी पसलियां तोड़ के उनके हाथ में पकड़ा देंगे। वो जो उनकी तोड़ के हाथ में देनी है वो हड्डी पसली है। हाँ जी। बस नबील तुमने एक बात का ख्याल रखना है कि मैं गुस्से में कहीं उनका खून न कर दूं। अरे मैं गुस्से से पागल हो रहा हूँ। चलो चलो मैं गुस्सा, आप टेंशन में चले चले मैं रखूंगा। देखा मेरे इखलाक का गुस्सा। ये ले तेरी छुरी तेज कर दी, वो भी फ्री में। आज तूने अपनी छुरी तेज की है। चंगू मंगू, अरे तुम दोनों नेहायत ही बेशरम घटिया और छिछोरे किस्म के लोग। ये नबील कह रहा था, वरना मैं तो इसको कह रहा था कि आप लोग बहुत ही मासूम और शरीफ किस्म के लोग हैं। ओ यार मेमो साहब, बाहर से तो आप भूखे शेर की तरह आए थे, अंदर आके भीगी बिल्ली हो गए। क्या हो गया आपकी गैरत को? अरे बाढ़ में गई गैरत भाई, देख ही रहे कितने प्यार से देख रहे हैं मुझे। ओ भाई सुनो, तुम लोग को तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे एक आधे दिन में, अगर चाहो गारंटी के तौर पे तो मेमो साहब को ले जाओ साथ। तुम भाई मुझे क्यों ले जाओ साथ में? कोई कहीं नहीं जा रहा, हम दोनों ने फैसला किया है जब तक हमारे पैसे नहीं मिल जाते तुम हमारा धंधा संभालोगे और हम इसी घर में आराम करेंगे। कौन सा धंधा भाई? आज बल्कि अभी से तू मंगू दूध वाला और घर घर जाकर तू दूध देगा। दूध वाला? हाँ नबील, वैसे तुम लगते भी हो दूध वाले। ओए बड़े मुंह वाले, तू आज से चंगू धोबी है। अरे ये शक्ल से तो दूध वाला लगता है, पर मैं धोबी नहीं बनूंगा। आज से कपड़े धोना, धोकर सुखाना और इस्त्री कर घर घर पहुँचाना तेरा काम है, समझा? समझ गया, अगर आप प्यार से पहले कह देते तो मैं पहले ही समझ जाता। तो लग जाओ फौरन काम से फटाफट। पूरा दिन गुजर गया है माँ जी, वो चंगू और मंगू घर पे कब्जा करके बैठे हुए हैं। काश हमने भट्ट साहब से पैसे ना लिए होते ना, तो इस वक्त हम उन्हें बुला सकते होते, वो आके उन दोनों को ले जाते। तू फिक्र ना कर निसरीन, इश्फाक गए ना उनसे निमटने के लिए, देखना अब वो चंगू मंगू का सब मुंह लिखा के आएंगे। ये सब क्या है? ये मंगू दूध वाला है और ये धोबी चंगू। उश है, मैं एक धोबी की बीवी हूँ निसरीन। खूबसूरत माँ जी। ओए होए, मैं एक धोबी की खूबसूरत बीवी हूँ, अब ये दुनिया मुझे नहीं जीने देगी ना। ज्यादा फिल्मी मत बनो, अरे ये सब उस वक्त है जब तक हम चंगू मंगू के पैसे अदा नहीं कर देते। और पैसे हम कैसे वापस करेंगे? पापा तो फोन नहीं उठा रहे। ये तुम्हारे पापा जी बड़े गैर जिम्मेदार हो गए हैं, उनकी वजह से करोड़ों का वारिस दूध बेचेगा अब क्या? शट अप नबील। ओके जानो। अच्छा भाई अब हम काम पे जा रहे हैं। और जाने वाले मैं तेरे कुर्बान खुदा हाफिज, ध्यान से काम करना, जा मेरे पुत्र तू भी मेरा नाम रोशन करना। अच्छा माँ जी मैं कोशिश करूँगा। शाबाश, हाँ बिस्मिल्लाह। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। ओ चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। उस पार की देखी जाएगी बले, उस पार निकलते हैं यार। बबल बनाए चलता जा, कोई जाए जाए चलता जा। और बबल बुलाए चलता जा, कोई आए जाए चलता जा। माँ जी आप यहाँ लॉन में सो रही हैं, वहाँ अंदर उन दोनों ने पूरा घर उल्टा किया हुआ है। आज तो सारा
एपिसोड ऐलान में गुजर गए। तुझसे ये ना हुआ तो अपने पापे से कह के कम से कम यहाँ कोई सोफा डलवा देती, मैं आराम से सो जाती। आप हर बात का इल्जाम मेरे पापा को क्यों देती हैं? कुछ तो देती हूँ ना, तेरे पापे ने तो लाहौर से खाली पाँव भेज दिया हमें। खाली हाथ माँ जी? हाथ तो मेरे खाली नहीं थे, आते आते ना वो तेरे पापे की घड़ी मैंने उठा ली थी चुप के। माँ जी मर गया। हाय शौक, आप तो मरने के बाद भी मुझे नजर आए चले जा रहे हैं। अरे मैं सच मुझका नहीं मरा हूँ मोमो। हाँ माँ जी, इनका जमीर मरा है सिर्फ। ये क्या हाल बनाया हुआ है आप दोनों ने? ओ जानू प्लीज यार, पापा जी से पैसे मंगवा लो यार, मैं घर घर दूध देने के लिए पैदा नहीं हुआ इस दुनिया में। अच्छा फिर किस लिए पैदा हुए? अपने ससुर के पैसों पे याशी करने के लिए शबाना। जी जी तकरीबन माँ जी। हेलो पापा, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी जी हम खैरियत से पहुंच गए थे। एक्चुअली पापा वो हम जरा मुश्किल में फंस गए हैं, हमें प्लीज 1,10,000 भिजवा दें। थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच, लव यू। यार ये क्या जानू, मंगवा ही रही थी तो 2-4 लाख मंगवा लेती। शट अप नबील, जाओ उनसे जाके कहो कि पैसे मिल जाएंगे और निकालो उनको घर से बाहर। हाँ चलाओ उनको जाके कहते हैं कि घर से बाहर निकले। हाँ। बल्कि आप लोग भी हमारे साथ आओ। आ जाओ वो बाहर मिलके आओ। आज वो देख लेते हैं इनको। तब तक तुम बाहर लॉन में जाके बैठो यार। जब तक पैसे हमारे हाथ में नहीं आते हम कहीं नहीं जाने वाले। देखो तुम दोनों को पैसे मिल जाएंगे, जब तक नहीं आते पैसे लॉन में जाकर बैठो। नहीं हम अकेले नहीं जाएंगे, तुम दोनों हमारे साथ चलो। और तुम दोनों हमारे लिए अच्छा सा खाना बनाओ। और सुबह से फ्रिज में रखा बासी खाना खा खा के तंग आ गए हम लोग। बना देते हैं, लेकिन तुम दोनों अब मुझे घर में नजर ना हो। चलो लॉन में जाके गप शप कर लेते हैं। आओ वो जो हम लॉन में जाके करेंगे वो गप शप होगी। हाँ जी। अच्छा जी आओ जी। आजा वो उधर से आओ। चल भाई सन्ना बिरयानी बना ले बड़े गोश्त की, ना उतनी देर में यहाँ बैठ के सो जाती हूँ। आप भी चले माँ जी। नहीं मुझे किचन में नींद तो नहीं आती है, मैं इधर ही ठीक हूँ। कब आएंगे हमारे पैसे? ओ भाई थोड़ा सबर कर ले यार, आ जाएंगे तेरे पैसे। मैं बात सुन, अगर पैसे ना आए तो एक बीवी और 8 बच्चों समेत यही शिफ्ट हो जाऊंगा हमेशा हमेशा के लिए। अरे मिल जाएंगे पैसे यार, थोड़ा सबर रखो, खाना खाने से पहले पैसे मिल जाएंगे तुम्हें। उनका मतलब है जैसे तुम लोग खाना खत्म करोगे। हाँ? पैसे मिल जाएंगे। ये आ गए यार, बहुत बोरियत हो रही है, कुछ शुगल मेला तो लगाओ यार। लो जी मैं मूसा, ये पहचान गया आपको। हाँ? इसको पता चल गया कि 20 साल पहले आप सर्कस में ठुमके लगाते थे। चल तू गाना तो गा। चले मैं मूसा, आपके ठुमके का टाइम हो गया है। बाल मावे मैं मर गई मेरा नाम है मेरे बाल मावे मैं मर गई। लेकिन आपकी आवाज़ तो माँ जी की तरह है। हाँ जी मेरी आवाज़ ना मेरी माँ जी से बहुत मिलती है। आप कौन बोल रहे हैं भाई साहब? मैं इंस्पेक्टर भट्ट बोल रहा हूँ माँ जी। भट्ट साहब हमें बचा ले, हमारे घर ना दो वो गुस्सा है। पर नबील तो कह रहा था कि आप लोग लाहौर से वापस ही नहीं आए अभी तक। वो तो मुझे उसकी बात पर यकीन नहीं था, इसलिए मैंने घर पे फोन किया। वो तो जी एक नंबर का झूठ है, हम तो सवेरे ही आ गए थे। भट्ट साहब आप जल्दी से आके हमें बचा ले, उनके पास दो चाकू हैं। दो चाकू? मैं अभी आ रहा हूँ। हाँ हाँ आई जल्दी से। ओए ओ तुम लोग के मियाँ अभी तक पैसे लेकर क्यों नहीं आए? मार वो भी नहीं आए अभी तक। वो कौन? वही जिसको मैंने बुलाया है। ओ किसको बुला लिया तुम लोगों ने? अरे आ गए तुम्हारे पैसे, ये लो 1,10,000 रुपया और हमारी जान छोड़ो। किधर गया पैसे? अरे अच्छा किया भट्ट साहब आप आ गए, गिरफ्तार कर लीजिए इन दोनों को। अरे ये सुबह से हमारे घर में
कब्जा करके बैठे हुए हैं। और सब ये तो हमारे पैसे हैं। और मैं इन दोनों को गिरफ्तार करने नहीं आया, अपने पैसे लेने आया था। बाकी रह गए 90,000, वो मैं 2-3 दिन में आके ले जाऊंगा। शुक्रिया बाजी। अरे ये बादशाह तुम्हें क्यों शुक्रिया अदा करके गए हैं? पता नहीं। हाँ नजमा, तुम एक काम करो, अपने सातों बच्चे है ना, जिनके रक्षे में डालो, मैं एड्रेस सेंड करता हूँ। हम इसी घर में रहेंगे। ओए, तुम भी अपने बच्चों को बुला, बीवी को बुला, जल्दी से।